भगवान राम की कथा बड़े संक्षिप्त में सुनाई। बड़े सुनने की बात है। अब सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश का निरूपण कर रहे, भगवान कन्हैया की चरित्र की भूमिका का वर्णन कर रहे। अथाता श्रोताम राजन वंश सुम से पावना यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्डकीर्तयः यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्डकीर्तयः। परम पूजनीय सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश का निरूपण कर रहे हैं। जिस चंद्रवंश में मेरे प्यारे गोविंद का प्राकट हुआ है, कैसा प्यारा वंश है। सुने आप, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि, और अत्रि के पुत्र हैं श्रीमान चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, और बुध के पुत्र हैं पुरुर्वा, बुध के पुत्र पुरुर्वा हैं। इन्हीं पुरुर्वा के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु सत्यायु सत्यायु रय विजय और जय। इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम है गाधी। गाधी बड़े तपस्वी राजा थे। हाँ, गाधी के यहां एक पुत्री तो थी जिसका नाम था सत्यवती, लेकिन पुत्र नहीं था। पुत्र नहीं था। सत्यवती का जब विवाह हुआ ऋचिक मुनि के साथ, जब विवाह हुआ तो लड़की अपने घर चली गई, ऋचिक मुनि के यहां बेटी चली गई, तो गाधी रोते रह गए, मैं क्या करूं, मेरी एक ही बेटी थी वो पराए घर चली गई। और इस बात को मैं अधिकांश कहता हूं, हर कथा में कहता हूं कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन लड़की कभी कुपुत्री नहीं हो सकती। वैसे पुत्र भी आज्ञाकारी होते हैं, पिता के वंश को चलाते हैं, पिता के यश का वर्धन करते हैं, लेकिन एक बात थोड़ी कड़वी है, वो सत्य है, कटु सत्य है, पुत्री का स्थान पुत्र कभी नहीं ले सकते। पुत्री का स्थान पुत्र कभी नहीं ले सकता। माता पिता की इज्जत का ध्यान जितना लड़कियां रखती हैं उतना लड़के रखते हैं क्या? रख ही नहीं सकते। बेटियों पर दोनों वंशों का भार होता है। अब लड़के तो भैया लोग बात कहते हैं, लड़के भी तो तारते हैं, अब तारते हैं मारते हैं तो भगवान जाने है? लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि पुत्री का स्थान पुत्र कभी नहीं ले सकते। लड़की माँ बाप की इज्जत का ध्यान जितना लड़कियां रखती हैं उतना लड़के रख नहीं सकते। गाधी बोले अपनी पत्नी से, बोले अपने दामाद से निवेदन करो कि हमें कोई ऐसी दवा बना देगा जिससे हमारे यहां बेटा हो जाए। तो ऋचिक ने दो तरह की दवाएं बनाई, एक अपनी सास के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। लेकिन जो सास को बनाई थी वो पत्नी ने खा ली, जो पत्नी को बनाई थी वो सास ने खा ली, अदला बदली हो गई। इसलिए बंधु, सास के यहां जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गया, जिसका नाम है विश्वामित्र। विश्वस आसमंता मित्रा विश्वामित्रा। और ऋचिक मुनि के यहां जो पैदा हुआ पुत्र उसका नाम है जमदग्नि। कौन नहीं जानता, जमदग्नि की पत्नी का नाम है रेणुका और पुत्र का नाम है परस्पार परशुराम। कौन नहीं जानता जमदग्नि। हमारे आदरणीय श्री 501 रुपया हमारे श्री भगवत राजा खजरा इनकी ओर से भगवान श्री के चरणों में 501 रुपया समर्पित होते हैं। भगवान हमारे मामा जी को प्रसन्न रखें, सुखी रखें। जय श्री राधे। जमदग्नि के पुत्र परशुराम, और परशुराम तो पिता की आज्ञा इतनी पालन करते हैं कि एक बार पिता के कहने पर माता और चारों भाइयों को मार दिया था फर से। लेकिन पिता के महत्व को समझते थे। जमदग्नि ने कहा कि बेटा हम तुमसे प्रसन्न है, बोलो क्या चाहते हो।
बोले महाराज हमारी माता और भाइयों को जीवित कर दो, बस यही चाहते हैं। क्यों? परशुराम पितुआ गया राखे, परशुराम पितुआ गया राखे, मारी मात लोक सब साखे, परशुराम पितुआ गया राखे, मारी मात लोक सब साखे, मारी मात लोक सब साखे। इधर जो गाधी के पुत्र विश्वामित्र हैं, इन्हीं के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए हैं नहुष। हाँ, उन नहुष महाराज के 6 पुत्र हैं, यति, अयाति, संयति, अयाति, वियति और कृति। इन्हीं के जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं अयाति, इनका देवयानी के साथ विवाह हुआ, जो देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह हुआ, उसी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, उस बालक को हम कहते हैं यदु। और इन्हीं यदु के वंश में मेरे कन्हैया का प्राकट हुआ है, इसी यदु वंश में। हाँ, भाई एक बात कहूं आपसे, चंद्रवंश में भी एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं। संसार में अपना पेट भरना तो सभी जानते हैं, लेकिन पेट भरना तो उसी का है जो 10 लोगों को जीवित रखे, 10 का पेट भर के अपना पेट भरे, जीना तो उसी का है, मनुष्य तो वही है। हाँ, चंद्रवंश में एक बड़े विचित्र राजा हुए रंतिदेव। पूर्व के राजाओं के किए हुए कर्मों का परिणाम यह हुआ कि रंतिदेव की राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया, 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसा, सारी प्रजा में दुर्भिक्ष पड़ गया, प्रजा भूखो मरने लगी। तो रंतिदेव ने अपने खजाने को खोल दिया और सारा खजाना खाली हो गया, सारा खजाना खाली हो गया। आज परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ऐसी परिस्थिति बन गई कि एक दिन रंतिदेव के विशाल भंडार में केवल 250 ग्राम चावल बचे हों, कुछ है ही नहीं। रंतिदेव की पत्नी ने जब चावल पका के भोग लगाना शुरू किया, उसी समय दरवाजे पर एक ब्राह्मण, भूख से तड़प रहा हूं मैं, भूख से तड़प रहा हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। राजा ने कहा नहीं, आप मेरे राज में भूख से ना मरिए, और अपने आगे के चावल उस ब्राह्मण को दे दिए, अपने सामने की परसी थाली ब्राह्मण को दे दी। अब पत्नी से बोले, बोले अब और कुछ है घर में? बोले महाराज अब तो कुछ नहीं। बोले तो पानी तो हो गई होगा, ठीक है तो पानी से भोग लगाओ। और जैसे ही जल में तुलसी दल डालने के लिए भोग लगाया, उसी समय दरवाजे पर एक चांडाल और उसके साथ 5 कुत्ते। महाराज मैं प्यास से व्याकुल हो रहा हूं, प्यास से प्राण निकल रहे, मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो। तो आज रंतिदेव ने अपने आगे का जल उस चांडाल और कुत्तों को पिला दिया। हाँ, और जब वो चांडाल वो कुत्ते पानी पीने लगे, रंतिदेव हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे कन्हैया, हे गोविंद, अगर मेरी वाणी को सुन रहे हो तो मेरा एक ही वचन है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। रंतिदेव ने कहा, हे गोविंद, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, न पृथ्वी का सम्राट होने की आकांक्षा है, सृष्टि का राजा होने की भी आकांक्षा नहीं है, मैं तो यही चाहता हूं कि संसार में जितने दुखी प्राणी हैं उनके हृदय में बैठकर मैं दुख का अनुभव करूं, और मेरा जितना सुख है वो सारे संसार को दे दिया जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे ऐसे शालीनता वाले राजा हैं, मेरा सुख मेरी संपत्ति संसार को दे दी जाए और संसार के दुखी प्राणियों के हृदय में बैठकर हम दुख का अनुभव करें, क्योंकि बंधु संसार में कोई सुखी नहीं है, भाई सुख संसार में है ही नहीं, संसार में कोई सुखी नहीं है। को तन दुखी को मन दुखी, को धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम के दास। देखना बंधुओं,
संसार में कोई भी प्राणी अपनी छाती पर हाथ रख के नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। किसी का लड़का बात नहीं मानता तो किसी की बहू बात नहीं मानती, किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है तो डायबिटीज की बीमारी है, कितनी परेशानी। कोई सुखी नहीं है संसार में, कोई सुखी नहीं। हे भगवान, मैं इन जीवों को जल समर्पण कर रहा हूं, भोजन दे रहा हूं, यही मेरी पूजा है और मैं कुछ नहीं जानता। ना माधवाय नमा, ना केशवाय नमा, ना गोविंदाय नमो नमा, ओ मां पवित्रो पवित्रो वा, कुछ नहीं जानता। केवल हमारी यही पूजा है। और ये बात सत्य है कि भगवान मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हे परमात्मा, मुझे इतना देना कि मुझे भी भूखे ना सोना पड़े, और हमारे दरवाजे पर अगर कोई आ जाए तो वो भी हमारे दरवाजे से भूखा ना चला जाए। क्योंकि हम लोग गृहस्थ मार्ग में रहते हैं, गृहस्थ मार्ग में रहते हैं। अगर हम चार बार मंदिर ना जा पाए तो चल जाएगा, छह बार कथा सुनने नहीं आ पाए तो चल जाएगा, लेकिन आपके घर से अगर कोई भूखा या प्यासा लौट गया तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अतिथि देवो भव, मेहमान का स्वागत देवता की तरह करना चाहिए। और जिसके जीवन में ये बात होती है ना, उसके जीवन में कष्ट नहीं आता। आज रणदीदेव कह रहे हैं, भगवान मैं कुछ नहीं जानता, केवल इतना कर रहा हूं। और ये बात सही है, यही कह रहा हूं कि भूखे को देना भोजन और प्यासे को देना पानी, भूखे को देना भोजन, छह बार कथा सुनने नहीं आओ चल जाएगा, मंदिर नहीं जाओ चल जाएगा, लेकिन घर से कोई भूखा प्यासा लौट गया तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इतना तो करते जाओ गृहस्थ मार्ग में हो तो, कि भूखे को देना भोजन और प्यासे को देना पानी, तो परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की बानी। भूखे को देना भोजन प्यासे को देना पानी, परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की बानी। महान आत्मा है वो धर्मात्मा, जगत में वही परम आत्मा है। महात्मा है जिसकी महान आत्मा है, धर्मात्मा जगत में वही परमात्मा, वही परमात्मा है। इसलिए कहा है कि जीने दो और जियो, जीने दो और जियो, ए महावीर की है वाणी। जीने दो और जियो, ए महावीर की है वाणी, परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की वाणी। को देना भोजन भोजन राते को देना पानी, हर बात मां सुनेगा तेरी आत्मा की बात।
भोजन प्यासे को देना पानी, परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की वाणी। जय हो। महान आत्मा है धर्मात्मा, जगत में वही परम आत्मा है। महात्मा है जिसकी महान आत्मा है धर्मात्मा, जगत में वही परम आत्मा है। कह दिया महावीर स्वामी, कहते बोले महावीर स्वामी की जय हो। जीने दो और जियो, जीने दो और जियो, ए महावीर की है वाणी, परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की वाणी। को देना भोजन चाहते को देना वाणी, परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की वाणी। परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की वाणी, परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की वाणी। वृंदावन बिहारी लाल की।